नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पन्ना में विधायक निवास के पास एचपी पेट्रोल पंप के बगल से श्री जुगल किशोर मार्बल एंड ग्रेनाइट शॉप का उद्घाटन श्री राजपूत कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष भरत राजा परमार द्वारा रिबन काट कर किया गया। रिबन काटने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर कर्णी सैनिक आनंद बुंदेला को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दुकान के प्रोपराइटर आनंद बुंदेला ने बताया कि एक बार के अनुरोध पर कर्णी सेना अध्यक्ष की उपस्थिति में मैं गौरवान्वित हूँ और सभी आए मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। उद्घाटन की बेला में बड़ी संख्या ने करनी सेना जानू परमार, राजपाल सिंह, धीरेन्द्र परमार, पुष्पराज परमार, दीपू सिंह परमार, अभयराज रघुवंशी, ऋषिराज बुंदेला, धर्मेंद्र सिंह परमार आदि ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की खबर। कोरोना संकट काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली होली मिलन समारोह आयोजित करने वाले दक्षिण वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव, यह जिस वक्त इनका कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान इनके क्षेत्र शाहनगर के दो प्लांटेशनों में आग धक-धक रही थी एवं इन्हीं के दूसरे क्षेत्र सलेहा के जंगल में भी भीषण आग लगी हुई थी, जिसकी सूचना मिलने के बावजूद इनके द्वारा अनदेखा किया जाता रहा एवं समस्त वन कर्मियों के साथ नाच गाना करते रहे, जिससे वनों की भारी क्षति हुई है। करोड़ों रुपए के प्लांटेशन जलकर खाक हो गए हैं। इसकी भी जांच करवाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली में एसआई अनूप सिंह सिद्धू की दबंगई देखने को मिली। पूरा मामला दिल्ली के ओम विहार फेस 3 का है, जब हरजीत सिंह का एक दुकानदार से कोल्ड ड्रिंक की तारीख निकल जाने को लेकर विवाद हो गया था। जानते हैं हरजीत सिंह की पत्नी बेबी से क्या था पूरा मामला। तो सुना आपने रिश्तों को लेकर मामला रफा दफा करने के लिए कैसे एक गरीब परिवार से 50,000 रुपए की मांग की गई। पैसे न देने पर व्यक्ति को टॉर्चर किया गया, जिससे तंग आकर उसने एसआई के सामने ही तेजाब पी लिया और एसआई मुखदर्शक बनकर देखते रहे, जिसके बाद हरजीत को उसकी पत्नी बेबी द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद से वह अब भी हॉस्पिटल में भर्ती है। महिला घरों में कार्य करती है। जब कहीं से कोई आस नजर नहीं आई तो बेबी ने राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आरएस बली से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद देखते हैं क्या आश्वासन दिया आरएस बली ने इस वीडियो में। हमारे को एक दुकानदार से पेप्सी लेने गए थे, उसके साथ वो बेकार दे दी थी तो हमारी लड़ाई हो गई थी उससे, और वो किसको कहते हैं पुलिस वाले आए थे, हमें बहुत परेशान कर रहे थे, हम लोगों के घर जा जा के सोए हैं, उसने हमें बहुत परेशान किया। क्या नाम है पुलिस वाले का? अनूप सिद्धू। कौन से थाने में था वो? उत्तम नगर में। तो कितने महीने हो गए इस केस को? इस केस को हो गए 7 महीने। 7 महीने में आप लोगों ने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी? हमने अपने पति का ध्यान रखा, कहीं नहीं दी मुझे। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि उसको कुछ दंड मिले। मेरे आदमी को उसने बहुत वो करा, तेजाब उन्हें मरने की धमकियाँ दी, तू मर जा, वो मर गया। मेरा घर वाला बहुत परेशान किया उसने हमें, वो उसके यहाँ से खराब हो गया गला मेरे घर वाले का, नसें चिपक गई है सारी, डॉक्टरों ने एम्स में हमने इलाज कर रखा है और वो कह रहे ऑपरेशन होगा और यहाँ पे नलियाँ लगी पड़ी। देखो मैं तो अभी कोठियों में काम करती हूँ और मैं दूध पानी कैसे मर्जी अपने घर वाले को दवाई दूही करके दे रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि कितना होगा आगे खर्चा उसका। ऐसे है कि मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का दिल्ली अध्यक्ष हूँ, हमारा तो एक तरह गरीबों की हेल्प करने का हमारी जो संस्था है, जो पार्टी है हमारी, वो है, तो कोई बर्बरता की कोई हद होती है, वो भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे परिवारों में से होगा कोई, वो भी कोई बाहर से नहीं आया हुआ वो भी, पर इतनी जुर्म, इतना जो उसने जुर्म किया, हद होती है जुर्म की भी, उसके जब सामने तेजाब पिया जो ये बता रहे हैं, तो उसको उसका करना चाहिए था, हेल्प करता, इलाज कराता कुछ, चलो हो गई गलती, हो गई उससे हुई या उससे हुई, एक को कह देना तुम मर जा, जा 50,000 रुपया दे दे। हम इस चीज़ को कोर्ट में भी लेके जाएंगे, मैं कल डीसीपी साहब को मिलने लगा हूँ, तो हम तो ऊपर तक जाएंगे, और दूसरा हम इसकी हेल्प अपने लेवल पे कुछ हेल्प इसकी हम करेंगे, जो आप करेंगे अपनी संगठन। हाँ, वो हम बताएंगे नहीं किसी को भी क्या हेल्प हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता, हम करेंगे इसकी हेल्प। ये ऐसे है
ये अपने मेरे जानकार है, वो उसको मेरे पास लेके आए है। ये मोन गार्डन वहाँ 40 फुट बता रही है, तो वहाँ रहते किराए पे। तो इनके पड़ोस में कोई दुकान है, वहाँ से इन्होंने पेप्सी मंगवाई इसके घर वाले ने, वो उसने ओवर डेट दे दी जिसकी डेट निकल चुकी थी। तो वो बदलने गया, उसको बोला पे ये डेट निकल चुकी, मुझे दूसरी दे दे। इस पे झगड़ा हो गया, दुकानदार इसको इसके पति को मारने लग गया, मारने लग गया। दुकान पे झगड़ा हुआ था, कुछ इसने भी हाथ चलाया होगा, कुछ इसने चलाया। तो वो फिर उसने थाने में कंप्लेंट कर दी। तो जो ये बता रही है अब, अनूप सिंह ऐसा ही है, था वहाँ पे उत्तम नगर थाने में, उसने आके उल्टा इसी को प्रताड़ित किया, उससे पैसा खाया, दुकानदार से जा क्या किया, इस गरीब को प्रताड़ना की, रोज इसको करता था 50,000 रुपया, जो बता रही है 50,000 रुपया वो रिश्वत मांग रहा था। तब छोड़ूंगा नहीं तेरे को, इसकी घरवाली को, और तेरे को जिसका नाम हरजीत सिंह बता रही है अपने घर वाले का, तो नहीं तो तेरे को मैं जेल में डाल दूंगा दोनों को। ये छुपते छुपाते रहे, घर छोड़ के भी चले जाते थे, जो बता रही है ये ताला ताला लगा के चले जाते थे। तो ऐसे इनको प्रताड़ित करता था वो। अच्छा, आप देखने गए थे इनके पति को, कितनी चोटें आई हैं, कितना क्या खर्चा होगा इसका? उसका देखो जी, अगर तो वैसे लगाया तो मेरा ख्याल से लाखों रुपए का खर्चा है, उसकी हालत बचने, मुझे तो अभी भी लग रहा है बचेगा नहीं। जो जो उसकी हालत है, तो उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि तेजाब उसने अनूप सिंह ने कहा या तो मर जा या मुझे पैसे दे। उसने उसके सामने खड़े खड़े वहीं दुकान पे तेजाब पी लिया। तो फिर वही अनूप सिंह इसको कहने लगा इनको कि इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, ये मर जाएगा। फिर वो भाग गया वहां से, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। अब मुझे पता चला कि वो जो अनूप सिंह है नजफगढ़ थाने में है वो। अभी फिलहाल हाँ, मेरे को इन्होंने बताया था, मैंने नंबर इन्होंने दिया था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, देख ऐसे गरीब आदमी है तो तूने ऐसे क्यों किया, इतना जुल्म क्यों किया गरीबों के ऊपर। तो कहता जो जो करना जाओ कर लो, मेरे पर रिकॉर्डिंग है सारी, मैं देखो ये तो जुल्म है। ठीक हाँ, है, तो क्या चाहता है ये परिवार, क्या चाहता है आपके थ्रू? देखो जी अब सजा जा तो उसको मिले, जा इनको को दे वो। उसकी हालत देखो, हरजीत सिंह जिसने तेजाब पिया उसके सामने पिया, उसने कहा मर जा, तो उसकी हालत देखो, बचेगा? मेरे ख्याल नहीं बचेगा। ये अपने हरिनगर हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, फिर सफदरजंग रेफर किया, फिर मेडिकल में इलाज हुआ, उसके दो दो नाड़ियां लगी हुई जमाने है। जी, परिवार से आप लोग घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई घर अपना नहीं, किराए पे मकान है। ये अब कोठियों में घरों में बर्तन साफ करके कितने के कमा लेगी, उसको दवाइयां देगी या घर का आटा ले आएगी, जब क्या करेगी, दूध ले आएगी या किराया देगी, कहाँ से करेगी ये इतना जुर्म? ठीक है, पुलिस वाला नौकरी पे करते, इतना जुर्म भी बहुत गलत है जो उसने इनके ऊपर किया है। तो हम तो करना नहीं चाहते, चलो भी सरकारी मुलाजिम है, चलो कोई बात नहीं, अपने थोड़ा बहुत हो तो आदमी चुप, रोज होता ही है, सबको पता क्या हो रहा है। पर इतनी भी बर्बरता, जानवरों की तरह उस पुलिस वाले ने इनके साथ बर्ताव किया, तो हम तो देखो जी ऊपर तक भी जाएंगे फिर। मैं तो डीसीपी साहब को भी मिलूंगा, तो से हम कार्रवाई करवाने की कार्रवाई कोशिश हम करवाएंगे, जहाँ इनकी कोई हेल्प करे, ज़्यादा ज़्यादा चलो गलती होगी गलती माने, इनकी कोई हेल्प करे बेचारों की। पीड़ित महिला 8 माह से न्याय के लिए दर बदर भटक रही है, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलेगा भी तो कैसे, जब न्याय के रक्षक ही भक्षक बन गए हो। पीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।